ऑल राइट गाइस, तो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं ज़ीब्लेस की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच वाइब 5 प्रो का। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 2 से 2500 रुपये के अंदर आप इसे परचेस कर सकते हैं अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए परचेस लिंक एंड कूपन कोड का यूज़ करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो टिपिकल ज़ीब्लेस वाली बॉक्स पैकेजिंग में स्मार्ट वॉच आती है। यहाँ पर हमें ज़ीब्लेस की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर वाइब 5 प्रो लिखा हुआ है। बॉक्स के पीछे की तरफ कुछ और चीज़ें मेंशन है, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो ये रही हमारी स्मार्ट वॉच, उससे पहले हम देख लेते हैं हमें बॉक्स में और क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक केबल मिल जाती है इसको चार्ज करने के लिए, इसको रखते हैं हम साइड में। एक यूज़र मैनुअल हमें इसके अंदर मिल जाती है एंड ये रही हमारी स्मार्ट वॉच। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस वॉच को हाथ में पकड़ती है सबसे पहली चीज़ जो फील हुई, इसका वेट है काफ़ी लाइट वेट है, ओनली 65 ग्राम इसका वेट है। तो अगर स्मार्ट वॉच की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो स्मार्ट वॉच जिंक अलॉय फ्रेम के साथ आती है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है। साथ ही इसमें हमें टीपीयू स्ट्रैप मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। वॉच के पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे वाइब 5 प्रो की ब्रांडिंग है, ज़ीब्लेस लिखा हुआ है। यहाँ पे तो हमें चार्जिंग कनेक्टर मिल जाते हैं। तो आपको चार्ज करने के लिए इसकी जो चार्जिंग केबल है इसको यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप करना होगा, उसके बाद इसको अपने मोबाइल अडेप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर भी अवेलेबल है एंड इसको हम आगे वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। साथ ही हमें यहाँ पे 2 बटन्स मिल जाते हैं, एक पावर बटन है एंड एक मोड बटन है। तो अगर इसकी लेंथ एंड विड्थ देखी जाए तो 51.5 mm इसकी लेंथ एंड विड्थ है एंड 14.7 mm इसकी थिकनेस है। तो अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 1.3 इंच की 2040x2040 पिक्सल रेजोल्यूशन की IPS टच डिस्प्ले के साथ ये स्मार्ट वॉच आती है। तो इसके कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं। तो इसको नीचे की तरफ स्वाइप करके आप मैसेज के ऑप्शन में जा सकते हैं, साथ ही राइट साइड स्वाइप करके आप इसके कुछ ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, जैसे स्टेप काउंटर हो गया, कैलोरीज आपने कितनी बर्न की हैं, इसके अलावा ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो गया, स्लीप ट्रैकिंग हो गया एंड अगर इसे आप नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्टॉप वॉच हो गया। इसके अलावा एक्टिविटी ट्रैकर हमें इसमें मिल जाता है, तो इसमें कई सारी एक्टिविटी आप ट्रैक कर सकते हैं, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, राइडिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पिंग पोंग, बैडमिंटन। तो अगर आप वॉच फेसेस चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर हमें 3 वॉच फेसेस मिल जाते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। साथ ही हमें कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे फाइंड माई फोन हो गया, सेटिंग का ऑप्शन हो गया। तो यहाँ से आप जो है ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ब्राइट स्क्रीन टाइम आप सेट कर सकते हैं, इसके अलावा रिसेट आप यहां से कर सकते हैं, इसके अलावा पावर ऑफ ऑप्शन हमें यहां पे मिल जाता है, तो आप इसे पावर ऑफ कर सकते हैं यहां से। तो अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 180 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ही स्मार्ट वॉच आती है एंड इसे 0 से 100% चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। साथ ही स्मार्ट वॉच में आपको 6 से 7 दिन का जो है स्टैंड बाई टाइम मिल जाता है। साथ ही स्मार्ट वॉच IP67 की रेटिंग के साथ आती है, तो आप इसे पहन के स्विमिंग कर सकते हैं, इसके अलावा रेनी सीजन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए आपको वियर हेल्थ नाम की ऐप है डाउनलोड करनी होगी, आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में इजिली मिल जाएगी। तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इस ऐप का इंटरफेस काफ़ी सिंपल सा है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिमिटेड फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर हमें स्पोर्ट का फंक्शन मिल जाता है, यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग का, यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर, साथ ही स्पोर्ट के लिए एक डेडिकेटेड फंक्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है एंड केयर का फंक्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो आप फ्रेंड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें। एंड माइंड में हमें कुछ और फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप बैटरी परसेंटेज यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसके अलावा टारगेट आप सेट कर सकते हैं, इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इसमें कई और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर हो गया, इसको आप ऑन कर सकते हैं, कॉल रिमाइंड को आप ऑन कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब को आप ऑन कर सकते हैं। तो मैं कॉल रिमाइंडर एंड SMS रिमाइंडर भी ऑन कर देता हूँ, तो जब भी मुझे इस फ़ोन पे जो कॉल या SMS आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मुझे मेरी वॉच पे मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे हमें स्क्रीन सेवर सेटिंग मिल जाती है, तो आप अपनी इमेज या कोई और इमेज जो आपको पसंद है वो आप सेट कर सकते हैं अपनी वॉच पे। तो इसको हम ऑन कर देते हैं, इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो इमेज आपको सेट करनी है। तो मैं ये इमेज सेट कर देता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं इसको, जितनी आपको क्रॉप करनी है एंड उसके बाद आपको कन्फर्म में क्लिक करना है।
साथ ही अगर आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं येलो कर देता हूँ एंड कन्फर्म कर देता हूँ। उसके बाद सेव में आप क्लिक कर दीजिए। अब मैं फास्ट कर देता हूँ एंड कन्फर्म कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो स्क्रीन सेवर सेट हो चुका है जैसा आप देख सकते हैं। इसके अलावा मोर रिमाइंडर्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको जिस ऐप का नोटिफिकेशन अपनी वॉच में चाहिए आप उसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो फटाफट से इसमें कॉल एंड SMS करके हम देख लेते हैं हमें नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैसेज नोटिफिकेशन आ चुका है, अब हम कॉल करके चेक कर लेते हैं। एंड जैसा आप देख सकते हैं कॉल का नोटिफिकेशन भी आ रहा है। तो अगर ओवरऑल स्मार्ट वॉच को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ स्मार्ट वॉच आती है एंड काफ़ी अच्छे फीचर्स ये हमें प्रोवाइड करती है। एंड सबसे बड़ी बात है, काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आती है। तो अगर आप इस स्मार्ट वॉच को परचेस करना चाहते हैं तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आप इसे इंटरनेशनली banggood.com से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक अवेलेबल है। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपका वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे थे वाइस ओवर टेकी और मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।